Okay, yeah. Where are you from? What do I look like? I think maybe... Not Indian, don't tell me Indian. No, not Indian. Okay, thank you. ये जो आ गया है श्रिम्स और साथ में स्क्विड्स और उसके साथ ही राइस. थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट इट. थैंक यू. ये है यहाँ की काली मिर्च जो कि मुझे भी नहीं पता था. दिस इज बोबा. ओ दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, राइट? इट टेस्ट वेरी गुड. आई डोंट नो ये क्या है वैसे. बोबा, राइट? ब्लैक बोबा. एकदम से जो है ना वो तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है. चक्कर अभी धूप थी कड़कती हुई और अब देखें माशाल्लाह हैवी रेनफॉल. आई थिंक 15 इज गुड. वेरी गुड, वेरी गुड. 15 इज आई थिंक इज अ गुड प्राइस. मैन वेरी ऑनेस्ट बिजनेस मैन. ओके आई एम गोना टेक दिस वन. या वन सेकंड, लेट मी जस्ट मी $35 यू गेट दिस रोलेक्स फ्रॉम कंबोडिया. ख्वातीनों की जन्नत. सारे ब्रांड्स की कॉपीज मिलेंगी आपको यहाँ पे. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कैसे हैं आप लोग सब? मेरा नाम दुमान है. वेलकम फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ नॉम बेन सिटी जो कि कंबोडिया का कैपिटल है. बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है मेरे, बहुत समझ लें 2 दिन थे और 2 दिन जो है ना बड़े अच्छे गुजर गए माशाल्लाह. मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो लोग मतलब डराते हैं ना आपको किसी जगह जाने से कि इस कंट्री ना जाओ ये बड़ी डेंजरस है या वहाँ पर मसले मसाइल हैं, वही कंट्री आपको सरप्राइज़ कर देती है टू बी ऑनेस्ट. मतलब मुझे थाईलैंड और वियतनाम की निस्बत यहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे लगे हैं, पोलाइट लगे हैं. और देखें ये कंट्री बहुत सफ़र करती हुई आ रही है, जंगें और यहाँ पे पता नहीं सिविल वॉर्स और बड़ी चीज़ें हुई हैं यहाँ पर. तो उसकी वजह से जो है ना मेरा ख्याल में मेरा टुक टुक का ड्राइवर आ गया है. आई थिंक ओके, हाउ आर यू? अच्छा जी, मैंने टुक टुक करवा ली थी यहाँ पे. लेट्स गो. अच्छा ये जी आप कह लेंगे ट्रेडिशनल रिक्शा है यहाँ का, तो मैंने ये ग्रैब से करवा लिया था. तो चले आज जो है ना मैं आपको एक ओवरऑल सिटी का जो है वो ज़रा सैर करवाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि ओवरऑल जो सिटी है वो क्या है यहाँ पे. मतलब एक मॉल जा रहा हूँ बेसिकली मैं अभी, तो वो यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है. तो मुझे असल में ना बैग लेना है क्योंकि मेरा सामान ज़्यादा हो गया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक और बैग मिल जाए ताकि इसको ना मैं रिप्लेस कर दूँ. तो वो हैंड कैरी में आ जाएगा और एक बड़ा वाला बैग मेरा जो है ना वो चेक इन में चला जाएगा, क्योंकि सही फादर ट्रैवलिंग या चीज़ें ली हैं मैंने तो सामान का इशू बन रहा था. तो इसलिए मैं देख रहा था, मैंने कहा चले मॉल चल के वहाँ पर देख भी लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं कि मॉल कैसा है और उसके बाद ज़रा थोड़ी सी वो कहते हैं ना आवारागर्दी थोड़ी सी कर लेंगे. तो चले देखते हैं इनका मॉल कैसा है. आई थिंक जो है मॉल आ गया है, तो यहाँ पर भी जो है ना पूरा सिक्योरिटी चेक इन वगैरह होता है. आई थिंक या शायद कोई मेरा ख्याल में टिकट वगैरह होगी शायद पार्किंग की. तो देखते हैं भाई क्या मतलब किस तरीके का मॉल है, कौन कौन से आउटलेट्स हैं, क्या ब्रांड्स हैं यहाँ पे, और अगर हमें फूड अगर कोई मिल जाता है हलाल तो बहुत अच्छी बात होगी. ये इन्होंने मेरे ख्याल में निकाली. अच्छा ओके, ये शायद कुछ टाइम लिमिट होगी कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मिनट के अंदर अंदर निकाल ली गाड़ी तो फ्री है, अगर ज़्यादा देर रुक ली है तो फिर पैसे हैं. हाँ ऐसे ही है. अच्छा 1 घंटे तक फ्री है, 1 घंटे से ज़्यादा होगा तो आपको पे करना होगा. इट्स नाइस. दिस इज़ द मॉल, द बिगेस्ट मॉल. हाँ या ओके ओके हियर यू गो, जस्ट काउंट इट प्लीज. या थैंक यू सो मच. थैंक यू. अच्छा अब देखते हैं कि मेन गेट, आई थिंक मेन गेट जो है ना वो यहाँ से है इसका. सो लेट्स सी. अच्छा बस मुझे जिस तरीके का बैग मैं चाह रहा हूँ मुझे वो मिल जाए क्योंकि मेरा सामान का मुझे बड़ा इशू हुआ है. ये देखें
आई थिंक ये किस्म की हाइपर मार्केट है. सो हम चलते हैं ऊपर. हेलो, हाउ आर यू? जिस तरह केयर फॉर वगैरह बनी होती है ना अक्सर सऊदी अरेबिया में, केयर फॉर दानूब, तो इस तरीके से शायद ये भी इन्हीं की कोई चेन है. इसका नाम देखना भूल गया, आई डोंट नो. खैर, तो ये आगे हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर. आई थिंक यहाँ पे आपको ब्रांड्स वगैरह मिलेंगे काफ़ी. अच्छा, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. ओके, अच्छा यहाँ पे मेरा ख्याल में शायद एक ही पूरा सेक्शन है, वो इस तरह ड्यूटी फ्री टाइप का होता है ना, उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है अलग अलग ब्रांड्स को. अच्छा, यहाँ पे दुकानें भी आ गई हैं, ये देखें, ये आउटलेट्स भी आ गए. नाइस, H&M, नाइकी, उतने खैर मुझे इंटरनेशनल ब्रांड्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ठीक है, अच्छा है मॉल. अच्छा, यहाँ पे मुझे कोई बैग्स दिख रहे हैं, ये देखें इस टाइप के. हेलो, गुड आफ्टरनून, यू हैव समथिंग लाइक अ बैकपैक? नो, ओनली दिस. आई एम लुकिंग फॉर समथिंग लाइक 45 लीटर समथिंग bigger than this. Where can I find here in you cannot find? Okay, thank you. nahi inke paas nahi hai wo jis tarike mein cha raha hu na, takriban 45 liter ka ho uske andar samaan aa jaye mera. maine do teen jagah se pata kiya tha, ek to yahi brand hai ye wala Li-Ning. acha mehenge hai, matlab price takriban $80-$90. ek jagah maine pata kiya wahan pe $380. तो मैंने कहा मैं कंबोडिया में आया हूँ कि मैं पागल थोड़ी हूँ इतने पैसे लगाऊंगा. तो मैं जो है ना, अब देखता हूँ यहाँ पे कुछ ही समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो मैं जाता हूँ लोकल बाज़ार, वहाँ से मुझे $20-30 का ज़बरदस्त किस्म का बैग मिल जाएगा. और जैसे कि मैं इतने पैसे यहाँ पे ज़ाया करूँ तो सही है ना, बाहर से ले लेंगे. ये देखिए मैंगो भी नज़र आ गया मुझे, तो अच्छा है. मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लोगों की कुछ ऐसी, मतलब ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ लोगों की परचेजिंग पावर अच्छी है, जिसकी वजह से इतनी प्राइजेज़ हैं यहाँ पर, और प्राइस है भी डॉलर में लिखी हुई है. और ये मेरा फेवरेट जर्डानो, ये भी है यहाँ. ज़रा चेक कर लेते हैं कि एक शर्ट की प्राइस कितनी है वैसे यहाँ पे. लेट्स गो एंड चेक. इस तरीके की जो शर्ट है फॉर एग्जांपल, इसकी प्राइस कहाँ लिखी हुई है? हाँ, यहाँ पे $49 समझें तकरीबन 140-150 रियाल, तो इस तरीके की है. अच्छा, थोड़ा सा ज़रा सऊदी अरेबिया से अगर कंपैरिजन किया जाए थोड़ा सा ज़रा कम है, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके की शर्ट तकरीबन आपको मिलेगी 180-190 की. कभी जब ऑफ़र लगी हुई होती है तो थोड़ा सा ज़रा डिस्काउंट मिल जाता है. अच्छा, ज़रा पेंट का रेट चेक करते हैं कितना है. $47. हाँ, थोड़ा सा ज़रा फ़र्क है अगर आप देखें ना इस चीज़ में. अब मैं ज़रा वो देख लेता हूँ, अपना पोलो स्टाइल शर्ट्स कितना रेट है भाई यहाँ पर. एक्सक्यूज मी, हाउ मच इज़ दिस? $32. Yeah. Okay, actually I'm comparing from my country. I'm seeing my country price, your country. Here a little bit cheaper. Yeah. Acha, $32. Yeah, yeah. Nice. Okay, thank you so much. Thank you. To thode se zara price mujhe Giordano ki jo hai na yahan pe kam lagi hai. Acha, third floor ke upar jo hai na aapko ye sara food court mil jata hai. Sare restaurants hain yahan par. Aur acha khasa jo hai na rush laga hua hai. Thai restaurant, Korean restaurant. अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई हलाल चीज़ मुझे मिलेगी, तो बस मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आ गया था. ये देखें सारा अच्छा बनाया हुआ है, टू बी ऑनेस्ट. मतलब सिटी के हिसाब से ना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अच्छा इतना अच्छा होगा, सिटी के हिसाब से अच्छा है. हमेशा से ना ये ट्राई करने का बड़ा शौक रहा है, इनकी बड़ी जो मिल्क टी है ना बड़ी फेमस है. विच वन डू यू रिकमेंड फॉर मी?
Which one? Because first time I try. Which one? 3D of nature. Black tea. Yes. Which one is good in taste? Because first time I try this one. This is good in taste. What is this? Signature one. What it has? Yeah. This one have promotion. Promotion. What is this actually? Yeah, this one nasi bubur. This one? Yeah. This one. What is inside this one? Like jelly or black bubur. Black bubur. I don't know what. Maybe you can black show me. Bubur. I see. This one. Ah, black bubur. How it is? Sweet or sweet or yeah, sweet. Sweet, huh? Yeah. Okay, maybe I will see what else you got here. Chocolate, milk tea, Oreo. I need something that tastes very good. This one? This one. Which one is that? Lucky Bobo milk tea. Yeah. This one have red bean, golden boba, crashly and taro. Okay. Good in taste or? Yes. Okay, and this one? Have black boba. Black boba. Yeah. But what you like? This one or this one? You. This one. This one. Okay. Yeah. Okay. One small. How much you have promotion, right? Yes. How many dollars? अच्छा जी मैं ये हमेशा से जो है ना देख रहा था बड़ी मज़े की लग रही हैं देखें ना तस्वीरों में ही देखें कितने मज़े की लग रही होती हैं ब्लैक टी बोबा ब्लैक बोबा मिल्क टी स्मॉल साइज यस यस स्मॉल साइज $2.5 या फाइन गुड गुड सॉरी शुगर लेवल मेक इट नॉर्मल यस अच्छा ये इस तरीके से बना रही हैं इसमें ब्लैक टी डाली है ब्लैक टी और इसमें डाला है इन्होंने ब्लैक बोबा अब ये ब्लैक बोबा पता नहीं क्या चीज़ है लेट्स सी दिस इज़ वेरी फेमस हियर राइट वेरी फेमस लाइक एवरीबडी इन द मॉर्निंग यू हैव इट इन द मॉर्निंग राइट और इन द नाइट नो इंग्लिश नो प्रॉब्लम्स ये देखें इस तरीके से जो है ना ये शेक करके बनाई जाती है ये यहाँ की टी है एक्चुअली जी हेलो क्या हाल है आपके ठीक हो और भी ऑप्शंस हैं नो नो हियर आई ड्रिंक इट हियर थैंक यू सो मच थैंक यू ब्लैक बोबा टी या थैंक यू थैंक यू थैंक यू चले भाई देखते हैं क्या चीज़ है ये ब्लैक बोबा लेट्स ट्राई जी ब्लैक बोबा देखते हैं क्या है ओ वेरी गुड एक्चुअली वेरी गुड बहुत मज़े की है यार ये जो बोबा है ना मैं क्या बोलूँ इस टाइम पूछ के आता हूँ कैन आई सी बोबा कैन यू शो मी बोबा आई वॉन्ट टू सी वॉट इज दिस हाँ दिस इज बोबा ओ दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक राइट इट टेस्ट वेरी गुड यार ये है ये चीज़ बोबा टू बी ऑनेस्ट I don't know ये क्या है वैसे boba right black boba I really like it अच्छा तो ये बड़ा मज़े का टेस्ट दिया है इसने और बेसिकली ये मेरे ख्याल में इन्होंने जो है ना आप समझ लें कि कोल्ड टी है ये ठंडी दूध वाली चाय उसके अंदर ये ब्लैक बोबा जो है ना इन्होंने मिक्स किया हुआ है यार वाकई में मज़ा आ गया मुझे बड़ी मज़े की मैं जो है ना आया हूँ फूड कोर्ट में मैंने सारे रेस्टोरेंट्स में जो है ना पूछा है एक रेस्टोरेंट मुझे मिला है जिसमें मैंने सी फूड ऑर्डर किया उनसे मैंने ये स्पेसिफिकली जो है ना
ये कंफर्म किया है कि वेदर इट्स हलाल और नॉट, क्योंकि देखें आप सी फूड खा सकते हैं किसी भी नॉन मुस्लिम के हाथ का पकड़ा हुआ, ये तो मतलब एक चीज़ मुझे क्लियर है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि ये जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं ना, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़, ये वाइन वगैरह मिक्स कर लेते हैं और कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं पॉर्क से वो मिक्स कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ज़रा इशू हो जाता है। तो ये मैंने जो मैनेजर थी इनसे बकायदा इनको बुला के मैंने दोबारा पूछा, मैंने कहा मुझे बता दो क्योंकि मैं बहुत जो है ना इस मामले में पिकी हूँ। तो कहने लगी नो इट्स टोटली हलाल जो आपने मंगवाया है, और इनके पास कोई ऐसा है भी नहीं, ये सारा सी फूड का है। देखें ये पूरा ये है द लॉबस्टर बे, और ये सारा का सारा सी फूड का जो है वो रेस्टोरेंट है। तो चलें, मैंने मंगवाया एक्चुअली श्रिम्स और स्क्विड का मिक्स्ड, एक समझ लें कि एक फ्राई ग्रेवी, ग्रेवी तो नहीं कहेंगे, एक मिक्स है दोनों का ना, मतलब फ्राइड श्रिम्स और फ्राइड स्क्विड्स, उसके साथ जो है वो थोड़े से ज़रा राइस है। ओके थैंक यू। ये जो आ गया है श्रिम्स और साथ में स्क्विड्स और उसके साथ ही राइस, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट इट, थैंक यू। तो चलिए हम आपको खा के बताते हैं ये किस तरीके का जो है वो इनका टेस्ट है। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। श्रिम्प जो मैंने उधर थाईलैंड में खाया था ना, इतने बड़े साइज का तो ज़िंदगी में नहीं खाया है। चले माशाल्लाह, स्टिकी राइस, बिस्मिल्लाह। मसालों से ज़्यादा प्योरली वो जो सी फूड का टेस्ट होता है ना, श्रिम्प का टेस्ट वो है, और ऊपर से जो है वो यहाँ की काली मिर्च डाली हुई है, ज़्यादा इसमें कोई वो मिर्चें मिर्चें या मसाले वसाले नहीं ऐड किए हुए, यहाँ की स्पेशल काली मिर्च और हल्के से सॉस में इसको बनाया हुआ है, बाकी में मज़ा गया बहुत। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिर्चें नहीं है, उन्होंने अलग से दी हुई है सॉस। चलें अब मैं इसको ख़त्म करके जो है ना फिर आपसे बात करता हूँ। अच्छा एक मज़े की बात बताऊँ आपको, ये है यहाँ की काली मिर्च जो कि मुझे भी नहीं पता था, इस तरीके की दिखती है ग्रीन कलर की, हमारे यहाँ तो काली होती है ना काली मिर्च कहते हैं, यहाँ की काली मिर्च सब्ज़ है ग्रीन। हर मुल्क का अपना अपना हिसाब किताब है। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया अल्लाह का शुक्र है, अभी मैं इनकी मैनेजर से पूछ रहा था कि कोई ऐसी लोकल मार्केट बता दें मुझे जहाँ पर जाके ना एटलीस्ट मैं चीज़ें ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत एक्सपेंसिव है। ओके थैंक यू सो मच। ओके चलें भाई, बिल आ गया, ये बना है $6.65, या इट्स चीपर देन माई कंट्री। ओके या व्हाट डू आई लुक लाइक? नॉट इंडियन, डोंट टेल मी इंडियन। नॉट इंडियन, like from Arabic country? Yes, I am born in Saudi Arabia actually. But originally I am from Pakistan. Oh. Yeah. Yeah, yeah. The blood is Pakistan but I'm born in Saudi Arabia. Yeah. Yeah, so but you are the first person to tell me that I look like Arab. Because I mean I went to Thailand, they see me, they say Arabic. I went to Vietnam, they say Arabic. But here everybody is telling me Indian. So okay, so how many riyals it is? Yes, okay, so 20. Yeah, 27,000 coins. Okay, please. Yeah. Yeah, thank you so much. Thank you. चल भाई, लड़की ने जो है ना सही से पहचाना तो नहीं, लेकिन खैर एटलीस्ट जो लोग मुझे कहते हैं बाहर कंट्रीज़ में मोस्टली अरब ही कहते हैं, पाकिस्तानी भी कहते हैं जिनको समझ आ जाती है ना, जिनको बड़ा तरीका होता है मतलब पहचानने का, वो समझ जाते हैं। लेकिन अगर मैं जाऊँ ना फॉर एग्ज़ाम्पल तुर्की में गया था, वहाँ पे सब अरबिक समझ रहे थे, थाईलैंड में सब अरब समझ रहे थे, तो वो क्लोज पहुँच गई। अच्छा जो है वो खाना अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया, अब जो लोकल मार्केट मुझे उसने बताई थी ना लड़की ने, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है। मुझे असल में बेसिकली बैग चाहिए, क्योंकि ये वाला बैग जो है ना वो छोटा पड़ रहा है और सामान ज़्यादा हो गया, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो बस चलें, टुक टुक बुलाता हूँ, फिर जो है ना आपको लेके जाते हैं और उससे मार्केट दिखाते हैं किस तरीके की मार्केट है। $5,000 5,000
I give you 5,000. I take Grab, no problem. Hey. Ah, sorry? Hey, $2. No, how much? $2, 8,000. I take Grab, tell me 5,000. Or maybe 4,500. अच्छा ग्रैब मैंने बुला ली है, ये तकरीबन 8,000 मांग रहे थे मुझसे और मैंने ग्रैब बुक की तकरीबन 5,600. तो ये थोड़ा आपको पता है, ये जो नॉर्मल जो टुक टुक हैं या बाहर के जो ड्राइवर्स होते हैं वो ज़्यादा पैसे ही मांगते हैं. तो खैर बस अब मेरा टुक टुक आ जाएगा तो फिर आप लोगों को लेके चलते हैं ओरेंज से मार्केट और दिखाते हैं कि वहाँ का किस तरीके का माहौल है, कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, क्या मिल सकता है, क्या रेट है, ये सारी चीज़ें आप इस ब्लॉग में देखेंगे. Yeah, grab. Okay, let's go. How are you? Let's go. Orissa market. चले भाई, टुक टुक आ गया हमारा और यहाँ से जाएंगे हम ओरिसा मार्केट. ये है कंबोडिया का मौसम. ओ एकदम से जो है ना वो तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है चक्कर. अभी धूप थी कड़कती हुई और अब देखें माशाल्लाह हैवी रेनफॉल माशाल्लाह. यहाँ के वेदर, इस खित्ते के वेदर का कुछ पता नहीं है. ये साउथ ईस्ट एशिया का जो ये माशाल्लाह मौसम है ना, कभी भी पलटी मार सकता है. एकदम से मौसम भी ठंडा हो गया और बारिश भी तेज़ हो गई. लेते हैं, बारिश बहुत है और मैं अपना रेनकोट भी नहीं लेके आया. कहते हैं ना कभी कभार वो मैंने असल में पैक करके रख दिया. थैंक यू, थैंक यू. ओके, थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय बाय. ओहो, बारिश जो है बड़ी तगड़ी है. चले चलते हैं अंदर मार्केट के अंदर. ये है मार्केट और यहाँ पे आपको जो चीज़ चाहिए वो मिलेगी. हेलो, वेरी कैन फाइंड बैग लाइक दिस अपस्टेयर्स. हाउ आई गो स्ट्रेट. थैंक यू, थैंक यू. अच्छा यहाँ पे आपको बर्तन शर्तन हर चीज़ मिलेगी. हेलो, ये बेसिकली आप समझ लें कि यहाँ का हिराज है. जो लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं उनको पता है हिराज के बारे में. ये यहाँ का हिराज है. हेलो, गुड आफ्टरनून. अच्छा इसके बाज़ार के तकरीबन 3 फ्लोर हैं. यहाँ पे कुछ बैग्स दिख तो रहे हैं इस टाइप के. अब मैं असल में जो चाह रहा हूँ वो नहीं है यहाँ पे. इतना तो मेरे पास भी है, ये वाला मुझे असल में बड़ा चाहिए. यू नो वेयर आई कैन फाइंड लाइक बिग बिग बैग पैक 45 लीटर. बिग 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 बिगर देन दिस. या Don't know. Maybe same place. Yeah. Understand. Okay, brother. No problem. चलें बैग तो दिख गए हैं. मेरे ख्याल में जगह पे तो सही आ गया हूँ. लेकिन अब ये है कि ढूंढने की बात है. बारिश देखें अभी भी बड़ी तेज़ हो रही है बाहर. अच्छा ये एक्सटेंशन यहाँ पे. लड़कियों की
पसंदीदा जगह। एक्सक्यूज मी सॉरी सॉरी ओके। ये सारे देखें नाइकी के और ये कॉपीज आपको सब मिलेंगे यहाँ पे, लुई वुइटन क्रॉक्स सारी कॉपीज मिलेंगे यहाँ पे आपको। ख्वातीनों की जन्नत, सारे ब्रांड्स की कॉपीज मिलेंगी आपको यहाँ पे। हेलो गुड आफ्टरनून। अच्छा बैग्स तो मिल रहे हैं लेकिन जो चाह रहा हूँ मैं वो नहीं मिल रहा है ना, छोटे मिल रहे हैं, ये मसला है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी थैंक यू। ये देखें आपको सारे शूज मिलेंगे यहाँ पे कॉपीज। यहाँ पे आपको जो है ना दुनिया जहान की कॉपीज मिलेंगी। रोलेक्स, हाउ मच इज दिस रोलेक्स ग्रीन कलर? या हाउ मच? $35 ओ $35 में $35 यू गेट दिस रोलेक्स फ्रॉम कंबोडिया। ओके एंड द ब्लू वन सेम ऑल सेम $30। सो $30 यू गेट अ रोलेक्स हियर इन कंबोडिया। और इसके अलावा भी यू नो दे हैव गॉट डिफरेंट ब्रांड्स एज वेल यहाँ पे। सो ये बेसिकली आप कह लें कि फेक मार्केट है, फेक मार्केट ऑफ कंबोडिया। ओह वाह Yeah, looks good. Looks good. This one, black one? This one. How much is this black? Yeah, this one. Yeah. How much? How many liters? 55 liter. And this one I can take in the plane? I can take in the plane. Okay. So how much? Give me Cambodian price, yeah? Not Pram Nora. No, I'm not foreign, Cambodian. Okay, Cambodian price. How much? Yeah. $15? Yeah. $15? For this one? Cambodia, Zadaria. Cambodia. Ah, okay. Nene, 15, okay. I think 15 is good. Nene. Oh, very good. 15 is, I think, is a good price. It's a good price. Maybe I will take this one. This is made in what? Made in Cambodia or China? China. Okay. Oh, color. Ah, colors. Okay. Maybe I need color same like brown maybe. Color. Oh. I think I like this one. Color. I like this one maybe. This one? Yes. Which one you like? You like blue or you like black? I think I like this one more. This is more good. And what about this one? This bag? Yeah, this one, yes. Military bag. How many? This one is good, yeah? Okay. This is better. Not good, huh? This one is better. Okay. Perfect. Very honest man. Very honest businessman. Okay, I'm gonna take this one. More, yeah? Yeah, one second. Let me just open the zip. We'll have good amount of space in it. Chale bhai, jaisa main bag chah raha tha waisa mil gaya. It's good. Very good. Open.
I'm just gonna check how okay. Left enough space. Okay. Moi. Yeah, good. Take this. Yeah. चलें भाई डील हो गई है $15 की. आई थिंक बहुत अच्छी प्राइस दी है इसने. मैं फिर ज़्यादा नेगोशिएट करने पे नहीं जाता. अगर कोई बंदा अच्छी प्राइस दे रहा है ना तो आई गो फॉर इट. थैंक यू सो मच. और आई थिंक व्हाट आई विल डू इज़ आई विल पुट माय बैग इन दिस वन. या ओके टेक दिस वन. व्हाट आई विल डू इज़ आई विल पुट माय बैग लाइक दिस. या चम लव ना नो चो नो ने बान. या मे Very good. Yeah. Yes. Yeah, I will. But let me give you money. Yes. 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 Very good. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Appreciate it. चलें ये काम तो हो गया. अब बाकी की चीज़ें देख लेते हैं. अगर बाकी कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो विल गो फॉर इट. आई थिंक ये जो है ना मेरे ख्याल में कोई इट्स अ हर्ब और पता नहीं क्या है. बहरहाल इस तरीके की सारी जो है ना दुकानें मिलेंगी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर. हेलो सब्जी केक खाने पीने की चीज़ें फ्रूट्स हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे आपको. अच्छा मेरा काम तो हो गया पूरा. मैं तो अब निकल रहा हूँ यहाँ से क्योंकि मुझे चाहिए था बैग. और कोई चीज़ समझ में नहीं आई और टाइम भी इतना नहीं है मेरे पास. तो मैं तो चल रहा हूँ यहाँ से. चलें भाई अब मैं आ गया हूँ बाहर. रोड क्रॉस करना भी जो है ना बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पर. अच्छा बारिश अभी भी हो रही है हल्की हल्की सी माशाल्लाह. तो चलें आज का व्लॉग जो है ये अभी एंड करते हैं. आप लोगों से मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट लोकेशन पे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ. जब तक के लिए उम्मीद को इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़.